मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन कार्यालय में 10 करोड़ की लागत से बने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोविंदपुरा स्थित कार्यालय में इनका शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इससे शहर के स्मार्ट सिटी विजन में तेजी आएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह, केंद्रीय विकास मंत्रालय के सचिव डीएस मिश्रा, सीएस बीपी सिंह, सांसद आलोक संजर, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग, महापौर आलोक शर्मा, नगरीय विकास के सचिव विवेक अग्रवाल, कमिश्नर अजय शत्रु, निगम आयुक्त प्रियंका दास, स्मार्ट सिटी के सीईओ चंद्रमौली शुक्ला सहित काफी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। शायद उस समय कई लोग सोचते हो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी, लेकिन आज आप देखें हमारे देश में हमारे शहर आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, स्वच्छता का मामला हो या व्यवस्थाओं को स्मार्ट बनाने का सवाल है। आज भोपाल में ही हमने इन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्मार्ट सिटी उसका लोकार्पण किया। तो सारी व्यवस्थाएं आप भी देखें, चाहे वो ट्रैफिक सिस्टम हो, चाहे सुरक्षा का सवाल हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, समस्याओं के समाधान का मामला हो, अब उस कमांड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठ के कहाँ ट्रैफिक कम है और कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, डायल 100 कहाँ खड़ी है, एम्बुलेंस नंबर 108 कहाँ खड़ी है, कौन सा कचरे का डिब्बा भरा है, कौन सा कचरे का डिब्बा खाली है, कौन सी गाड़ी की स्पीड कितनी है, और स्पीड अगर ज़्यादा है और यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रही है तो अपने आप चालान कटेगा और घर पर पहुँच जाएगा। सारी व्यवस्थाओं का कमाल एक जगह से किया जा सकता है, कंट्रोल एक जगह से किया जा सकता है। वो सपना आज मध्य प्रदेश में साकार हुआ है। भोपाल से हमारे बाकी 6 शहरों में वो सेंटर बन रहे हैं। नोवा सेंटर था ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तो सारी व्यवस्थाएं स्मार्ट बनेंगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे शहर आगे बढ़ेंगे। आज एक प्रसन्नता की बात है कि इंक्यूबेशन सेंटर भी उसी परिसर में प्रारंभ हुआ है। हमारे बच्चे जिनमें 76 प्रतिभा योग्यता है, अनेकों के पास आइडियाज हैं, उन आइडियाज को जमीन पर साकार करने की सुविधा मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप प्रारंभ करेंगे हमारे बच्चे, वो भी प्रारंभ हुआ है। इस तरह के शिखर सम्मेलन के लिए मैं मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अलग अलग शहर के सीईओ इकट्ठा होंगे तो आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे कहाँ क्या अच्छा हुआ है, और उसमें से फिर जो सीखने लायक होगा दूसरा शहर भी सीखेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद, उन्होंने एक सपना देखा और वो सपना विस्तार। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।